नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ताबड़तोड़ खबरों के साथ। महोबा में बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई है। शादी में शामिल होने जा रहा था युवक। महोबा में यातायात को लेकर जागरूकता रैली। यातायात जागरूकता को लेकर छात्र छात्राओं ने निकाली है रैली। लोगों को रैली के लिए जागरूक किया गया। महोबा में बीती रात सड़क हादसे में महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। गुस्साए परिजनों ने हाईवे को जाम करके हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों ने पथराव किया है, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हुए। तो वहीं अलीगढ़ में अवैध उगाही को लेकर आपस में भिड़ गए होमगार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दोनों होमगार्ड शराब के नशे में धुत थे। दोनों होमगार्ड का हंगामा काफी देर तक चलता रहा। योगीराज में भी सहारनपुर में नहीं रुक रही गौकशी की घटनाएं। गौकशी की घटनाओं को अंजाम दे रही है महिलाएं। थाना मिर्जापुर पुलिस ने शाहपुर गांव से सयारा और वाजिदा नाम की दो महिलाओं को 30 किलो गौमांस के साथ गिरफ्तार किया। ललितपुर के सीओ विनोद कुमार शर्मा को किया गया निलंबित। सरकार की छवि खराब करने का विनोद कुमार शर्मा पर लगे आरोप। कई मामलों की जांच में घेरे में आ रहे थे। ललितपुर से लखनऊ मुख्यालय किए गए अटैच। मैनपुरी उपचुनावों को लेकर अजब गजब प्रचार के तरीके। डिंपल यादव के नाम पर रेलवे इंक्वायरी से हुआ है चुनाव प्रचार। इटावा जंक्शन स्टेशन के पूछताछ कार्यालय से रात करीब 10:50 पर हुआ प्रचार। अधिकारियों ने मामले पर चुप्पी साधी। गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। कुछ दिन पहले भी सत्याग्रह एक्सप्रेस में नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ था वायरल। गर्लफ्रेंड वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सफाई देते हुए कहा कि करण महारा ने कहा कि किसी महिला की किसी पुरुष के साथ मित्रता है तो गर्ल को गर्लफ्रेंड ही कहा जाएगा। वहीं महारा के बयान पर भाजपा के उनके इस बयान को महिला विरोधी मानसिकता बताया है। इटावा भरथना कोतवाली क्षेत्र में अनियंत्रित बाइक फिसल गई है। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया है। नशे में धुत होकर चला रहा था बाइक। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में प्राणी उद्यान में बड़ा हादसा हो गया है। प्राणी में ट्रेन में चढ़ते समय महिला का पैर फिसल गया है। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। इस दौरान महिला के बच्चे और पति ट्रेन रोकने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन चालक को उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। बिजनौर में कलयुगी मां ने अपने मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी है। मौके से फरार हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर महिला की तलाश शुरू की गई। बस्ती में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक वाकया सामने आया, जहां बहनोई के प्यार में पागल 3 बच्चों की मां ने पति की ही हत्या कर दी। मृतक के चचेरे जीजा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले तो मृतक को खूब शराब पिलाई, फिर उसे सरयू नदी में फेंक दिया, जहां मृतक विनोद के नशे में डूबने के चलते मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री को ईमेल से धमकी देने का मामला आया सामने, जहां गुजरात एटीएस ने बदायूं से युवक अमन सक्सेना को पकड़कर पूछताछ के लिए अपने साथ गुजरात लेकर गई है। मामले में एक युवक और युवती की तलाश से फिलहाल पुलिस कर रही है। गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर वीएन बघेल और सिविल लाइन थाना पुलिस ने युवक के घर पर रात को छापा मारा था। उत्तर प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए फरवरी 2023 में आयोजित होने जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसकी तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने शनिवार को पिकअप भवन में समीक्षा बैठक की है। बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर होने वाले 17 देशों के दौरे की तैयारी की समीक्षा हुई। बुलेट पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे फोड़ने वाले चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी दलीप कुमार ने बताया कि साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इस संबंध में सख्त कानून बनाने का शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। भविष्य में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालकों और दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। बांदा में जीआरपी उपनिरीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के अंदर चेकिंग अभियान चलाया, जिस दौरान स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। स्टेशन परिसर पर खड़े 4 पहिया वाहनों और 2 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलों को चालान उनके काटे गए। लखीमपुर खीरी में सहायक तकनीकी मैनेजर पर अज्ञात बाइक सवारों ने 2 हमलावरों ने गोलियां चला दी है। गोली लगने से युवक घायल हो गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
अमेठी में सड़क हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, जहां बाइक सवार युवक को अर्टिका कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर दो लोगों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल सूचना मिलते ही एम्बुलेंस पहुंची है। तस्वीरों के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। कासगंज के सिडपुरा में बस से कुचलकर 9 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर रोड पर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। बांदा में एक युवक के घर वापस नहीं आने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तफ्तीश शुरू। कानपुर में चौकी इंचार्ज आफताब आलम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि चौकी इंचार्ज बुजुर्ग महिला को बुरी तरीके से धक्का दे रहा है, जिसके चलते वो जमीन पर गिर गई है। मुजफ्फरनगर में रथीली बाईपास पर ओवरलोड ट्रक और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। बता दें कि हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में लगातार लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने पशु चिकित्सालय विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के मुताबिक लापरवाही के कारण कई गायों की मौत हो चुकी है, तो वहीं गाय इस प्रकार की बीमारी से जूझ रही हैं। रायबरेली के जलालपुर में मामूली बात पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बता दें कि विवाद में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जहां पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ड्रावा पहुंचे, जहां बिहड़ी समेत कई गांव में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्या के लिए वोट मांगे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है और केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की अपील की। रामनगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में 2 महिलाओं ने एसएसपी से मांगा इच्छा मृत्यु। अपने पतियों पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। महिलाओं ने अपने पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 127वीं प्रादेशिक सेना के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रादेशिक सेना मुख्यालय वो पहुंचे हैं, जहां उन्होंने फौजियों से मुलाकात की। कासगंज के कुमरौआ गांव से संदिग्ध परिस्थितियों में गश्त 3 महीने का मासूम गायब हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी तफ्तीश कर रही है। लखनऊ में जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर सरकार सख्त है। लखनऊ में सड़कों से गायब होंगे ई रिक्शा। हादसे को लेकर सरकार ने लखनऊ डीएम को जारी किया आदेश। शाहजहांपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने पुलिस के सामने ही जमीनी विवाद में चलाई गोली। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अफसरों ने पुलिस की मौजूदगी के सवाल को सिरे से इनकार कर दिया है। तो ताबड़तोड़ खबरों में अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री पहुंचे राम जन्मभूमि परिसर। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए हैं। सीएम ने मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण किया। विकास कार्यों का विजन डॉक्यूमेंट पर भी समीक्षा बैठक हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, रामलला के दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। तो आपको बता दें विजन डॉक्यूमेंट पर समीक्षा बैठक भी हुई है। देखिए तस्वीरें सामने आ गई है, जहां पर यह काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। विजन डॉक्यूमेंट पर बैठक की गई है, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। बता दें कि अयोध्या के दौरे पर रहे हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया है, उनके साथ तमाम वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे हैं। सीएम योगी रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मल्टी लेवल पार्किंग का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री पहुंचे राम जन्मभूमि परिसर। तो बता दें कि मल्टी लेवल पार्किंग का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या से इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है, साथ ही साथ विजन डॉक्यूमेंट पर समीक्षा बैठक भी हुई है। तो मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का यह अयोध्या दौरा माना जा रहा है, जिसमें तमाम उनके कार्यक्रम हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो मल्टी लेवल पार्किंग का
निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया है। इस खबर पर अपडेट के साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गया है। बीएस लाठी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन भी किए हैं, मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है, क्या कुछ अभी ज्यादा जानकारी आपके पास है? बीएस, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आवाज आ रही है, आपने कहा मुख्यमंत्री जी जो गांधी सभागार है, मंडल समीक्षा जो मंडल के अधिकारी हैं, अयोध्या से जुड़ी हुई जो विकास का जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो क्या कुछ विजन है, उसकी सारी सुरक्षा व्यवस्था की जो अधिकारी हैं वो पहुंच के उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं, और जो यहाँ पे आला अधिकारी हैं वो हैं मौके पे, उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था का जो है, चाहे वो डीजीपी हो, डीएस चौहान हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा हो, संजय प्रसाद हैं, परिवहन मंत्री दयाशंकर हैं और जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। अयोध्या जो राम की पैड़ी है, या चौड़ीकरण का रामपथ का मामला हो, या मल्टी लेवल पार्किंग की बात हो, या रामपथ बन रहा है, या राम कॉरिडोर बन रहा है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया है, तो उनके साथ जो अधिकारी लगे हैं, उन अधिकारियों के साथ इतना ही जल्दी एक एक अधिकारियों के साथ कैसे इसका जितना जल्दी इसका निर्माण हो, क्योंकि जो अयोध्या है, अयोध्या में जो आने वाले समय का जो देख करके, जो अयोध्या में जिस तरह से परिक्रमा में 40 से 45 लाख भीड़ आई, उसको देखते हुए अयोध्या में रोज लाखों लाख भक्त आते हैं, तो उसको देखते हुए जो यहाँ का व्यवस्था है, या चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो या हो उसके सब पे, या विकास कार्य, चाहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है या दयाशंकर पंत जी हैं, तो इस सबकी जो किस तरह से आवागमन सुलभ हो, यहाँ सबको सुविधा मिल सके, तो इस तरीके से समीक्षा बैठक का जायजा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने माथातों से ले रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब वाराणसी के दौरे पर भी मुख्यमंत्री रहेंगे, उससे पहले उनके और क्या कुछ कार्यक्रम अभी रह गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनारस में समीक्षा बैठक और जिस तरह से नया स्वरूप दिया जा रहा था, उसी तर्ज पे, चाहे वो प्रयागराज का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे ये विंध्याचल का हो, कॉरिडोर हो, चाहे आगरा ताज कॉरिडोर हो, तो उसी तर्ज पे जिस तरह से जो आला अधिकारी हैं उनके साथ एक एक प्वाइंट पे जो जितने निर्माण हो रहे हैं, और जो चौड़ीकरण मार्ग है, 10 किलोमीटर का जो चौड़ीकरण मार्ग है, आपको बताऊंगा कि कल से ही व्यापारी जो थे, व्यापारी वर्ग थे, वो दुकानें बंद किए हैं, वो अनिश्चितकाल के लिए धरना किए हैं कि जब तक हमें उचित मुआवजा और उचित हमें वो नहीं मिलेगा। उसके मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से नाराजगी भी व्यक्त की है, और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो लखनऊ से जुड़े हों, चाहे अयोध्या से जुड़े हुए किसी विभाग की, इसलिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को कि उचित मुआवजा दिया जाए, अगर क्या समस्या आ रही है तो उसका हल व्यापारी वर्ग को निराकरण भी कराया जाए। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, तो फिलहाल आपको बता दें कि मल्टी लेवल पार्किंग का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, विजन डॉक्यूमेंट पर भी समीक्षा बैठक हुई है। तो मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे हुए हैं, रामलला के दर्शन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अयोध्या से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, मल्टी लेवल पार्किंग का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं, एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो ये बड़ी खबर है, इटावा रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई है। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव की जंग लगातार जारी है, अनाउंसमेंट में प्रत्याशी डिंपल को जिताने की बात कही गई है, मैनपुरी से डिंपल भाभी को जिताए, ये अनाउंसमेंट रेलवे स्टेशन से हुई है। रात को 11 बजे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई है, अपने आप में ये बड़ी बात है। अनाउंसमेंट पर यात्रियों ने नाराजगी भी जताई है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, इटावा रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई है। आपको बता दें कि लगातार प्रचार प्रसार जारी है, लेकिन ये अनोखा प्रचार प्रसार देखने को मिला है, जहां पर रेलवे स्टेशन के माध्यम से अनाउंसमेंट कराई गई है। फिलहाल इस मामले पर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। तो आपको बता दें, ये कहा गया है कि डिंपल भाभी को जिताएं, इस वक्त ये बड़ी खबर। मैनपुरी उपचुनाव में प्रचार प्रसार तेजी के साथ जारी है, सभाएं हो रही हैं, लेकिन ये अनोखा तरीका देखने को मिला है, अनाउंसमेंट में डिंपल को जिताने की बात कही गई है, मैनपुरी से डिंपल भाभी को जिताएं, ये अनाउंसमेंट हुई है। रात को करीब 11 बजे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई, और उस वक्त जो यात्री मौजूद थे वो भी अचंभित रह गए, क्योंकि आमतौर पर स्टेशन पर रेल को लेकर अनाउंसमेंट होती है, लेकिन चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार भी अब रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है, तो अनाउंसमेंट यहां पर की गई है। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि अनाउंसमेंट किसने कराई है, रात को 11 बजे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई है। इटावा का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता राम कुमार हमारे साथ जुड़ गए अपडेट के साथ। राम, जिस तरीके से इटावा रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट की गई है, डिंपल भाभी को जिताने की अनाउंसमेंट हुई है, क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम है, इसके पीछे कौन है, कुछ अभी तक मामला सामने निकल कर आ पाया है क्या? जी देखिए, जिस तरीके से 11 बजे के लगभग करीब अनाउंसमेंट जब हो रहा था, तो यात्रियों को वहाँ
ऐसा लगा कि जिस तरीके से देखा जाए, पहले के यात्रियों ने कहा कि किसी भी पार्टी का कोई भी अनाउंसमेंट ना हो, जिसका ध्वज प्रदर्शन करते हुए काउंटर खिड़की पर जब पहुंचे तो कहीं ना कहीं वहां देखा जाए तो वहां ध्वज प्रदर्शन किया गया। जब इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई तो उनका कहना है कि जांच कर उस पर कार्रवाई होगी। राम, अक्सर जांच का आश्वासन ही अधिकारियों की तरफ से दिया जाता है, लेकिन अपने आप पे ये बड़ी बात है कि रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट की जा रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया? जी देखिए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसकी डीआरएम से बात की गई तो कहने के देखा जाए तो उनका कहना है कि आज आरोपी प्रवक्तों द्वारा किसी प्रकार की काउंटर में घुसकर उन्होंने जो है डंपर आदि का जो प्रचार किया है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए जो दोषी है उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राम, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि अपने आप में जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ये गलत है। जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि किसी भी पार्टी का अनाउंसमेंट रेलवे स्टेशन पर नहीं होना चाहिए, जिसके लिए ध्रुव प्रदर्शन किया है। वहीं कहीं देखा जाए, यात्री ने भी बताया है कि ट्रांस अलाउंस सुनने के लिए वहां बैठे हुए थे, अचानक से डिंपल यादव के जिंदाबाद के कहीं ना कहीं नारे आवाज सुनाई देने लगे। वहीं उन्होंने कहा कि डिंपल यादव जिंदाबाद के कई बार नारे सुनाई दिए, जिसके लिए समर्थक नहीं हूँ, मेरे लिए सभी बराबर है। लेकिन जब रेलवे अधिकारी डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे तो कहीं ना कहीं यात्री लोग काउंटर पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कार स्टैंड के कर्मचारी ने मोहित चतुर्वेदी ने बताया है, लगभग रात 11 बजे के करीब जहां पर अनाउंसमेंट होता है, ट्रेनों की जानकारी सुनाई देती है, वहां से भी डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे जोर जोर से लगाए जा रहे थे, जिसके लिए लगातार वहाँ यात्रियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। बिल्कुल, लेकिन राम, जिस तरीके से जिस स्टेशन पर ये अनाउंसमेंट हुई है वहां पर आमतौर पर जो भी अनाउंसमेंट करता है वो रेलवे का अधिकारी होता है ट्रेनों को लेकर, लेकिन ये लोग अनाउंसमेंट करने के पीछे कौन थे, इसके बारे में अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है जो उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे? देखिए, जब प्लेटफॉर्म पर अधिकारियों जिससे बात करना चाहिए तो उनका सीधा आरोप था कि इसी के संबंध में मैं किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब इलाहाबाद डीआरएम अंशी से संपर्क किया गया तो उनका कहना है कि आज तक तो द्वारा किसी प्रकार के काउंटर में घुसने के बाद में डिंपल यादव के जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिस पर जो भी दोषी होगा उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है राम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन फिलहाल अभी तक मिला है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इसके पीछे कौन था, क्योंकि अपने आप पे ये बड़ी लापरवाही है। फिलहाल जो यात्री और अधिकारी मौजूद थे वो भी बहुत चक्का रह गए कि अक्सर रेलवे स्टेशन पर आपने रेल के बारे में अनाउंसमेंट सुनी होगी कि ट्रेन आने वाली है जाने वाली है, लेकिन उसी दौरान एक पार्टी के प्रत्याशी को लेकर अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है। उन्होंने कहा कि डिंपल भाभी को जरूर जिताएं, तो फिलहाल अनाउंसमेंट में डिंपल को जिताने की बात कही गई है। फिलहाल इस मामले में लगातार अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। जब उनसे पूछा गया सवाल तो उनके द्वारा ये कहा गया कि इस विषय में वो कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि अनाउंसमेंट में डिंपल को जिताने की बात कही गई है। प्रत्याशी है फिलहाल डिंपल, और ऐसे में उनकी तरफ से इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इसी बीच एक और अहम खबर आ गई, आपको बता देते हैं, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी इंटरनेशनल सेंटर 6 साल से बंद पड़ा है, जिसके काम अब भाजपा सरकार कराने जा रही है। सरकार ने इसके संचालन से पूर्व शेष काम को पूरा करने की तैयारी कर ली है। सरकार की बैठक में तय हुआ है कि जल्द ही ये प्रोजेक्ट एलडीए को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अगर ये सेंटर चालू हो गया तो लखनऊ में आने पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सीएम को एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से आने पर लोगों को जाम की समस्या नहीं होगी। हेलीकॉप्टर से वह सीधे रूफटॉप पर बने हेलीपैड पर उतरकर कार्यक्रम में जा सकेंगे। अखिलेश यादव की सरकार के समय जेपीएनआईसी लखनऊ में बना था, काफी कुछ इसका काम करीब 90% पूरा हो गया था और करीब 10% काम अधूरा रह गया था, लेकिन जब भाजपा सरकार आई तो उसने इस काम को बंद करके और जो है इसने जो है इस पर जांच बैठा दी और कहा गया है भ्रष्टाचार से बू आ रही है इसलिए इसकी जांच की जाएगी। लेकिन 6 साल में अभी तक जांच में कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं आए और ना ही इसका कोई दोषी मिल सका। अब इसके बाद शासन ने एक बार निर्णय किया है कि इस बिल्डिंग का बचा हुआ काम पूरा कराया जाए और वो काम जल्द से जल्द जो है पूरा करने के लिए करीब 70 करोड़ रुपए का बजट भी रिलीज कर दिया गया है। देश का सबसे बड़ा अलबेदर स्विमिंग पूल इस जो है यहाँ बनेगा, ओलंपिक साइज का टेनिस कोर्ट यहाँ पर है और इसके अलावा तमाम ऐसे जो है सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं कि जो वो कहीं पर नहीं है अभी तक।
बॉम्बे के बाद दूसरा ऐसा स्विमिंग पूल बनेगा जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल और सभी मौसम में काम करेगा। इन स्थितियों को देखते हुए जल्द ही सरकार जो है एलडीए को काम देने जा रही है और सीजी सिटी का जो बचा हुआ बजट है वो इसमें उपयोग किया जाएगा जो 70 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। देखना अब यह है कि काम तब तक शुरू हो पाएगा और JPNIC कब तक पूरा हो पाएगा। कैमरा मैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां काफी तेज हो गई है। समिट को लेकर गोपाल नंदी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेश पर केंद्र बन रहा है यूपी, 9 दिसंबर से इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो जाएगा, 17 देशों में रोड शो होने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को न्योता दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी में निवेश का न्योता दिया जाएगा, अवध शिल्पग्राम में भी भव्य टेंट सिटी बनने जा रही है, स्विस कॉटेज में रहेंगे विदेशी मेहमान। तो आपको बता दें कि 1 महीने तक चलेगी ODOP प्रदर्शनी, तो भव्य तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर से इन्वेस्टर्स समिट शुरू होने जा रहा है, लखनऊ से ये बड़ी खबर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। समिट को लेकर गोपाल नंदी का बयान भी सामने आया है, आपको बता दें कि वैश्विक निवेश का केंद्र अब उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश को लगातार वैश्विक केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है, वैश्विक निवेश यहां पर देखने को मिल रहा है, बाहर से कंपनियों को न्योता भी यहां पर दिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में अब रोजगार के जो अवसर है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपको बता रहे हैं कि 17 देशों में रोड शो भी होने जा रहा है, 1 महीने तक ODOP की ये प्रदर्शनी चलने वाली है, फिलहाल 9 दिसंबर से समिट शुरू होगा, 17 देशों में रोड शो किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को न्योता दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी है। तो वहीं देर रात आजम खान अपने पार्टी कार्यालय दारुल आवाम पर पहुंचे और मीडिया से मुखातिब होते हुए रामपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए, क्योंकि सपा नेता आजम खान काफी समय से चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अचानक सपा नेता आजम खान ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और प्रेस वार्ता कर रामपुर प्रशासन सहित आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि रामपुर के भाजपा प्रत्याशी को वैसे ही विजयी घोषित कर दिया जाए, लेकिन हमारे सपा के कार्यकर्ताओं पर इस तरीके के जुल्म ना डाले जाए। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए, चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना, हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है, निकलना मत घरों से बाहर, समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा ली हो जाए, आप साहिबान का बहुत सहयोग रहा है आप, लेकिन ये बहस हो सकती है किसको सही हो रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने टिहरी जिला सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बता दें कि बैठक में पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने संविधान दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई, जिसके बाद समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उनके विभागों में किए गए कामों की रिपोर्ट की जानकारी ली है। साथ ही इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि जनता से जुड़ी योजनाओं के कार्यों में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, बल्कि इन्हें प्राथमिकता के साथ किया जाए। अपने सभी विभागों को जो कि मैं देखती हूँ और साथ साथ में जो हमारे अन्य विभाग हैं उनको लेकर एक समीक्षा बैठक जिसमें हमारे सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सम्मानित हमारे विधायकगण और हमारे जिले के हमारे पार्टी के हमारे अध्यक्ष और सभी लोग इसमें मौजूद रहे, और निश्चित रूप से क्योंकि विधायकगण सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं तो उनके द्वारा जो जो विषय यहाँ पर संबंधित विभागों के संदर्भ में आए, चाहे वो हमारे खाद्य विभाग के संदर्भ में आया हो, युवा कल्याण के संदर्भ में आया हो, अथवा मनरेगा के संदर्भ में आया हो, अथवा PWD और फॉरेस्ट के संदर्भ में आया हो, तो बहुत अच्छे सुझाव जिसको कि समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है जिलाधिकारी को दिए गए हैं। और कभी रोड का निर्माण होता है तो उस रोड के परीक्षण में
हमें कितना उसमें फॉरेस्ट है अथवा कितना उसका उसकी और समीक्षा की जानी है, तो उसको लेके एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए पर्टिकुलर डेज जो है वो बना दिए जाएं। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में गोरखा जनमुक्ति मोर्चे की बैठक का आयोजन हुआ है। बता दें कि मसूरी व्यापार संघ ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पहुंचे मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल का व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने शॉल और बुके देकर उनका स्वागत किया। मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल ने 11 और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय संगोष्ठी में अधिक से अधिक गोरखा समुदाय के लोगों से आने का आह्वान किया है, जिसमें अलग गोरखालैंड राज्य की स्थापना के लिए रणनीति तय की जाएगी। अलावा 29 प्रांत है, 29 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटोरी है, वो सबको लेकर 10 दिसंबर और 11 दिसंबर 2022 में दिल्ली में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजना हो रहा है, वो गोरखा जनमुक्ति का बैनर में। उसी के तहत उसी संगोष्ठी का एक व्यापक और बड़ा प्रोग्राम है, तो गोरखालैंड राज्य का निर्माण के लिए एक यात्रा एक लक्ष्य छुट्टे राज्य गोरखालैंड निर्माण के हेतु गोरखा जनमुक्ति पोर्का का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विमल गुरुंग जी और एक शीर्षस्थ टोली भारत के विभिन्न प्रांतों में जाके गोरखाओं का समाज संस्था अराजनैतिक राजनीतिक दल व्यक्ति विशेष जितने भी उसको मिलकर उस संगोष्ठी को सफल करने के लिए और हमारा जो नेशनल